गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। कल के ही ब्लॉग से हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आज हम पुणे में किस काम से आए हैं वह तो हमारा निजी वर्क है, लेकिन आज हम पुणे का एक ऐसा प्लेस एक्सप्लोर करेंगे जो हमारे कंट्री के लिए बहुत प्राउड फीलिंग करवाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं। और अब हम हैं नेशनल वॉर मेमोरियल साउदर्न कमांड पुणे में। इसके अंदर आते ही हमें लहलहाता हुआ हमारा तिरंगा ध्वज दिखाई देता है, साथ में ही शक्ति स्मारक लगा हुआ है और उसके नीचे की ओर भारत के वीर सपूतों के हाफ स्टेचूज हैं, कुछ शिलालेख हैं जिन पर पिक्चर के साथ उस हुई घटनाक्रम की जानकारी भी दी गई है। हमारे साथ है हमारे अनुकुल भाई जो हमें यहाँ तक के लेकर के आए हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो एक अनुशासित ढंग से सारी व्यवस्थाओं को दृष्टिगोचर करती हुई पूरी व्यवस्था में दृष्टिगोचित होती है। यहाँ कुछ उभरे हुए शिलालेख भी हैं जिसमें ऑपरेशन ट्राइडेंट 1971 का या फिर बैटल ऑफ पर्वत अली, उन सब की जानकारियां भी दी हुई है और साथ में लोंगोवाल बैटल के बारे में भी डिटेल में दिया हुआ है। गादरा सिटी जंग के बारे में भी शिला लेके और उसके नीचे उसकी जानकारी भी दी हुई है। समय तो ज़्यादा लगेगा लेकिन सारी चीज़ें यदि हमने पढ़ी तो हम रोमांचित हो उठेंगे और हम शश नमन करेंगे उन वीर जवानों को जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी देश की रक्षा के लिए। और ये हमारा शानदार जानदार लहलाता तिरंगा। भारत माता की जय। आज 5 अगस्त 2022 को मैं अतुल सर यहाँ वॉर मेमोरियल में पुणे में दोपहर के हो रहे, शाम के हो रहे 4, और यहाँ पे बहुत ही प्राउड फीलिंग करते हुए हम दोनों भारतीय ध्वज के साथ। सो ये जो अगस्त का महीना है ये आज़ादी का, हम आज बहुत ही एक खूबसूरत बोल सकते हैं। ये पीछे हमारे मिग हैं, मिग 23। यहाँ से ऐसे सो ये आर्मी का बंकर है। सो आर्मी के बंकर ऐसे रहते हैं, अटैक करने के लिए इस पे सोल्जर्स लेट के अटैक करते हैं। वीडियो सर, कौन सर, कौन? ओह वंडरफुल, डब्बे को सर।
क्या बात है सर, गुड मॉर्निंग। ओके ठोके तारी दुश्मन के छक्के छुड़ाने वाली हॉविजर तोप एग्जीबिशन के लिए रखी हुई है। सामने की ओर जाने के बाद हमें स्मॉल शूटिंग रेंज भी दिखाई देता है और आगे की ओर बढ़ने पर हमें एक एमिनेशन एग्जीबिशन प्लेस भी दिखाई देता है, जहां पर सेना द्वारा इस्तेमाल किए गए सभी प्रकार के हथियार, गोला, बारूद, उनके रेसिड्यूज हैं और कुछ लाइव भी हैं। ये देखेंगे और एंजॉय करेंगे। एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल, ये शेल है 130 mm। ये लैंड माइन, हाँ ये ग्राउंड बर्स्ट है 90%। और ये भारत द्वारा विकसित क्षेपणास्त्र है, जिसमें पिनाक, ब्रह्मोस, अग्नि, इन सब के मॉडल्स रखे हुए हैं। शेल, हैंड ग्रेनेड, रॉकेट लॉन्चर में यूज होने वाले फ्यूजेस जो हैं, उन सब के प्रकार यहाँ पर संग्रहित हैं। और ये है बुलेट सेक्शन, अलग अलग प्रकार की बंदूकों के लिए अलग अलग प्रकार की बुलेट्स। पूरे जो लाइन से सारे टैंक्स है ना, और अब हम पहुंच चुके हैं म्यूजियम के द्वार पर। हाँ रिशो भाई, चलिए सर, मैंने कहा सदन कमान म्यूजियम। ओह सावश क्या सर जी, भारतीय सेना द्वारा विविध स्थानों पर पहने जाने वाली पोशाकें म्यूजियम के एंट्री के बाई ओर सजीव पुतलों को पहना करके रखी गई हैं। अप्रतिम नजारा है, एकदम जीवंत अनुभव होता है इन सबको देखकर। इंडो चाइना वॉर के वक्त इकबाल कवि बैरागी की लिखी हुई कुछ पंक्तियां मुझे याद आती है।
मैंने बचपन में अपने गीतों में गाया था कि मुक्त देश पर फिर विदेश से आया संकट क्षण, हिमगिरी अपना राज मुकुट है प्रहरी जीवन धन, सिपाही देश के हिमालय छीन ले, सिपाही देश के हिमालय छीन ले, वही हिमालय जहाँ की हम यमुना गंगा का उद्गम, जहाँ हमारे वीर शेरपा नहीं किसी से कम, वही हमारी कर्म भूमि है ऋषियों का आंगन, हिम शिखरों पर मुक्ति देवता का है सिंहासन, उस सिंहासन पर है अब उसकी छाया, चलती रही हमें जिसकी चंचल माया, जिसके लिए चले विपरीत बहाओं में पानी भरता गया हमारी नावों में, और एक दिन विस्मित होकर देखा तो लांग गया वह अपनी लक्ष्मण रेखा को, इतने छल से हुआ न होगा कोई अतिक्रमण, चंदन वन को ही मिलना था विस्तर का आंगन, सिपाही देश के हिमालय छीन ले। घटनाओं के छाया चित्र भी हैं, साथ में ही कुछ वीर सपूतों के हाफ स्टैचू भी लगे हुए हैं और उनका जीवन परिचय नीचे अधिलेखित है ताम्रपत्र पर, साथ में ही कुछ सैनिकों के गणवेश के स्टैचूज भी लगाए हुए हैं। सारा सीन जो है वो आपको आत्मविभोर कर देता है, देश प्रेम से सराबोर कर देता है। बहुत सारी जगह लोग पुणे घूमने जाते हैं कि यदि आप परिवार के साथ आए तो इस स्थान को जरूर विजिट करें, यह अच्छा संदेश देगा आपके बच्चों को देश प्रेम का और संस्कार का। जीप के ऊपर कुलोमेट ZB बहुत खास वॉल स्कल्पचर है। चलिए बाहर चलते हैं जहाँ टैंक्स रखे हुए हैं अलग अलग तरह के। तो पास APC स्कॉट विजयंता व्हीकल ट्रेड कमांड पोस्ट अबोट टैंक T-55 BYR-60 FRTFV अबोट। जय हिंद जय हिंद। चलो ये लंच का समय हो चुका है, हम आए हैं शादी पराठा हाउस। देखते हैं मस्त, बताइए सर। पराठा हाउस। और अब हम आए हैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में एक शॉर्ट मीटिंग के लिए। चलिए साथ में आज दिन भर में हुए घटनाक्रम के कुछ स्टिल फोटोग्राफ भी हम एंजॉय करते हैं। दिस इज वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पुणे।